शादी शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है। इसे कभी भी जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। इसे कभी भी किसी के दबाव में आके या घर वालों के प्रेशर में आके या रिश्तेदारों के बोलने से, क्या किसी के भी किसी की शादी हो रही है तो उसकी शादी नहीं हो रही है, मेरी कब होगी, कोई भी मिला उससे आप शादी कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा गलत डिसीज़न हो सकता है आपके लिए। अगर मेरा वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें। शादी कभी भी फैसले ऐसे नहीं लिए जाते जब तक आप खुद आप समझ में ना आ जाए, आप मिल ना लें, आपको मेंटली आपको लगे कि वो परफेक्ट इंसान है, आपको थोड़ा सा अगर 1% भी डाउट हो शादी के लिए, तब शादी कैंसिल करें। कभी भी मैं नहीं कहूँगी आप शादी करिए, शादी के लिए अगर वो 1% भी आपको डाउट है तो डाउट्स क्लियर करिए। किसी प्रेशर में आके मेरे घर वालों की इंसल्ट हो जाएगी, चाहे इसकी होगी, जब पैसे खर्च हो गए हैं, कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि सब मिल सकता है, पैसे भी आ सकते हैं, घर वालों को आप मना सकते हैं, पर अगर एक बार शादी हो गई तो आप उसे तोड़ नहीं सकते हैं, और तोड़ने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएगी, एक टैग लग जाता है जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा शादी के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, और अगर सामने वाले से बातें कीजिए जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाएं कि हाँ ये सही है, तब तक शादी डिसीजन नहीं लीजिए। किसी के प्रेशर में आके तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। मैं कहूँगी कि आप उससे मिलिए, समझिए, जानिए, किसी के दबाव में नहीं। जब तक आपकी सहमति नहीं होगी तब तक ये शादी आपके आगे तक नहीं जा सकती। इसलिए शादी का बहुत बड़ा डिसीजन है, इससे कभी भी प्रेशराइज करके नहीं लिया जा सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।